और ये देख लो मेरे पति ठीक है। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो मम्मी ने क्या आग्रह कर दिया, हो जाए जल्दी हो जाए, नो वाला लगता ही भी हो जाए, हो गया ना ये तो बड़ा हो गया तो सारी और ये वाली। और बाकी मुझे ध्यान भी नहीं अगर कोई बहन आई हो वो गिफ्ट में लेके आई हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो गया है, उठ गई हूँ, सुबह के बजे हैं 7:30 और ये सोच रहे होंगे मैंने क्या किया हुआ है। ये मैंने हेयर वॉश करा था कल शाम के टाइम से, मैंने ऑयलिंग करी थी, मैंने सोची थी धुल लूँगी बट टाइम ही ना मिला तो मैंने सोची अब मैं सुबह अगर जल्दी उठ गई तो कुछ तो फ़ायदा उठा लूँ। वैसे मैं मोस्टली नहाते टाइम ही धुलती हूँ बट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं वैसे भी धुल लेती हूँ अगर टाइम ना मिले धुलने का, तो इसलिए धुल लिया। और एमी सो रहा, बस उठने ही वाला है। तो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं है फिलहाल तो, बट हाँ दिन में तो हो ही जाएगी। अजीब सा लग रहा है ना अंदर से टॉवल तो लेके नहीं आई, तो ये दुपट्टा रखा था मम्मी का, मैंने ये लपेट लिया। हर चौथे पांचवें दिन ये स्लैब फ्री कर देते हैं, देख लो हाल, ये फ्री करूंगी। दीदी भी आ गई है क्लीनिंग के लिए, तो सारी डस्टिंग वगैरह कर दी कंप्लीट, सोफे वगैरह कर दी। मम्मी नीचे पानी डाला है और जो चुग्गा डालते है ना वो डाल के आ गई है। और ये मम्मी जो है ना रही निकाल दी, देखो हमारा घी निकला कितना सारा, नजर मत लगा दियो नाट जाएगी, भैंस नाट जाएगी, नजर मत करती भाई। जो शहर में रहे ना जो भैंस ना रख सके, बेस्ट आइडिया, फुल क्रीम दूध लो, छोटी वाली रही ले खाओ, घर का लस्सी और मक्खन खाओ, स्वाद आ जाएगा। कभी भैंस इतनी भी याद गोनी आवा। और अगर इस टाइम में मैं डेली सो जाना, यो टाइम इतना बढ़िया है, इसमें काम भी हो जाए, और अलग तो थोड़ी ना एनर्जेटिक वाला टाइम लगता है ये, पर वो ना हमेशा मेरे साथ ही उड़ जाता है, टच वुड आज वो सो रहा आराम से। तो अब मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट, यानी कि मम्मी शाम को पिलेंगी, मैं अपना दूध देता हूँ फ्लैक्स, वही सेम ये, देखती हूँ कुछ और क्या कर सकती हूँ। तो मेरा आ गया दलिया, दलिया दूध में मिला लिया और मम्मी ले रही है अपनी कॉफ़ी। और वह गठड़ी हमारे बन रही है हमारी प्रेस वाली ना ली। आज बनेगी तोरी की सब्जी, टमाटर कट कर लिए हैं, बहुत बढ़िया तोरी की सब्जी बनाया करें, इधर जो है तड़का लगने लग रहा है। हेलो गाइस, मैं भी उठ के आ गया हूँ, राम राम सबको। और जब से मैं ये आया है ना उठ के, मेरे बालों को ही देख रहा कि क्या लपेट रखा है मम्मा ने आज, बेटा बाल गिल्ले हैं। राम राम कर दे, ऐसे करो, जय जय करो। मम्मी ना के भी लगा देगी जोत और मैं इसको खिलाऊंगी क्योंकि आज मैं जाऊंगी जिम में। और एक नंबर मौसम हो रहा है, कति बढ़िया वाला, कोई गर्मी नहीं है, मस्त वाला मौसम हो रहा है। और ये देख लो मेरे पति सारा काम धाम संभालने वाले, 9 बजे तक सो रहे हैं ये देख लो। और जो रात के ऐसे सोने नहीं देंगे हम, ऐसे जो रात के 3 बजे तक फोन देखते हैं, क्या देख रहे थे फोन में, मेरी आँख खुली 3 बजे, ऐसी लाइफ जी रहे हैं वो, नहीं होते हैं अनमैरिड बंदे हैं, साथ में बच्चा सो रहा है और 3 बजे तक फोन में क्या देख रहे थे, इतना गुस्सा आया मुझे भाई, फोन ना दर्द है, बाप बन रहे हो ये। उसकी नींद खराब होने लग रही है, उसको इसमें से कंफर्टर में से उसको लाइट दिख रही है, वो उठ रहा है बार बार, ये अपना आराम तो मुंह ढक्का है, कुछ ना कुछ कौन दिख रहा है, हर आराम तो फोन में लग रही, जब 2-4 डांट वाली, जब इनका फोन रखवाया, जब ये सोए है। मम्मी नहाने नहीं गई, मैं अंदर आ गई थी मित्तू को उठाने के लिए और मैं जिम के लिए हो गई हूँ रेडी। बाल थोड़े से गीले हैं इसलिए भी मैंने रबड़ में टाई नहीं करे हैं, तो अभी पहले मम्मी को नहाने भेजूंगी, इतने 10-15 मिनट है, इतना और पंखे के नीचे सुखा लेती हूँ और फिर टाई कर लूंगी, फिर निकल जाएंगे हम लोग जिम के लिए। मैं तो ये लगा लूँ कई दिन बाद जिम जा रही हूँ, बीच में अभी 2 दिन के लिए ठीक हुआ था ना तब गई थी, उसके बाद कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए जा ही नहीं रही जिम, बट टच वुड मेरा वेट बिल्कुल भी गेन नहीं हुआ, जितना था बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही है। खासा वेट लॉस कर लिया है और अभी निकल के ये खा रहे हैं बनाना, जाके लेंगे प्रोटीन। और मित्तू की बॉडी में आप लोगों को क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं वो जरूर बताना कमेंट करके, हमें तो बहुत ज्यादा क्योंकि हम पास से थोड़ा देखते हैं तो पता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप सब बताना क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चले
मुझे इतने पसंद आए थे जो कल सासू माँ ने भेजे थे इनके, तो आज ये बढ़िया था फ्राई करके खाए है इनने, प्याज व्याज डाल गए। सासू माँ से इतना प्यार है क्या कि कोई आई हुई चीज वेस्ट नहीं जाने देनी है। और हमने जो है ना खाना खा लिया और इसको पता चल गया मम्मा पापा खाना खा रहे, तो तुरंत ही उठ गया ना, देखो खिंडा दिया पानी वो गिर गया तो फिसल गया, वो पानी गिरा था ना वहाँ वही पोचा और वहाँ गिरा पहले एम हो। हाँ ड्रा है रात ने देखो अभी अपनी मर्जी से चला रहा है ना, अब देखो और ये भिड़ गई है तो आप लोगों को देखना अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं अभी को दिखाती हूँ ज्यादा। आप में से किस किस के बच्चे चलने लगे जो एमी के साथ के हैं, मतलब ये अगर बीमार नहीं होता ना अभी 10-11 दिन बीमार रह गया तो अब तक ये चलने लग जाता। क्या हुआ मम्मा तो बैठ गई। अरे मैं खड़ी देख, दादी खड़ी हुई है, मैं कुछ खा भी रही हूँ, चिज्जी खा रही है। तो देखो फुल तैयार हो गई हूँ, यो मेरा चश्मा आज मैंने मिला है, यो मैंने मुश्किल से एक दो बार लगा था उसके बाद पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, आज मैंने मिला, बढ़िया था। फोटो शूट करवाया और एमी सो गया और इसके नीचे मैंने डाली जीन्स और मैंने काफी खुशी हुई कि ये जीन्स ना मुझे ना लूज हो गई, ये देखो मैंने ना बेल्ट लगानी पड़ी इस पे, ना धोकर तैयार हो ली थी और आपने देखा ही था। उसके बाद एमी सो गया है, एमी के पास ले गया मित्तू और अब ना हमने अपना पिटारा खोल लिया, आपने बेरा है हमारे घर में बेबी कभी भी आ सकता है, कभी भी मतलब एक घंटे बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते ठीक है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि नोवा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा बेबी कभी भी आ सकता है, कंप्लीट यानी कि 2-3 दिन बाद नोवा कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो मम्मी नू क्या आग्रह है जल्दी हो जाए, नोवा लगते ही भी हो जाए ठीक है, बट अगर खींच रहा है तो अच्छी बात है क्योंकि अब की बार बेबी का वेट कम था, देखेंगे अब की बार मतलब बेबी बॉय आएगा या बेबी गर्ल। वैसे हमारे पूरे परिवार को बेबी गर्ल का वेट है क्योंकि बेबी बॉय ऑलरेडी है, तो बस हम वही चीजें देख रहे हैं, शीट वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि अब एमी तो देखो आपको पता बड़ा हो गया, उसके तो काम चीजें आने नहीं। अब जैसे ये छोटी शीट है, ये छोटे बेबी के बहुत अच्छी रहेगी, गर्मी के टाइम में ऊपर से कॉटन की है, कैसे भी लिपटाओ गर्मी भी नहीं लगेगी। तो और ये हमने ना यूज मतलब ना के बराबर करी है, बहुत कम यूज हुई है, बहुत कम चीजें, और ये छोटे बेबी के अच्छे काम आएंगी। तो ना जैसे जैसे कपड़े निकालने लग रहे हैं ना तो मैं एमी को बचपन में याद आ रहा है। ये तो बड़ा हो गया ना, ये तो बड़ा हो गया, तो वो सारी तो जैसे ही कोई ड्रेस निकल गई ना, हाय मम्मी ये तो उसको हमने कितनी बार पहनाई थी, ये वाली इसको स्पेशली बहुत प्यारी लगती थी, हम इसको बार बार पहनाते थे, बहुत प्यारी लगती थी। पर कोई नहीं, अभी छोटा एमी हमारा लगती है तो छोटे बेबी को देंगे तो और ज्यादा मतलब सही रहेगी पुरानी चीजें। वैसे तो नई भी लेके आएंगे बट आप लोगों को पता गर्मी ज्यादा है, एसी चलेगी नहीं, तो जितना घिसा हुआ कपड़ा होगा नया ले आके देवा, थोड़ा बड़ा ले आइए बेबी पाछे काम आ जाए। नई भी लेके आएंगे, वैसे मत बोलना कि नई नहीं लेके आओगे, वो मार्केट जाएंगे स्पेशली मैं और मम्मी लेके आएंगे आज या कल देखेंगे, बट फिलहाल ये था कि पुराने वाले निकाल के डेटोल में धो के अच्छे से फिर दे दे, क्योंकि मेरे पास भी रखे हैं घर में और तो कोई नया बेबी अभी है नहीं और हमारा भी थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगा क्योंकि बहुत कपड़े एमी के भी अलमारी भरी पड़ी है। तो हमने चच्चा बच्चा की फुल तैयारी कर दी है, ये देख लो ये मैंने शूज मंगवाए थे एमी के लिए और मतलब छोटे बेबी के लिए मंगवाए थे, बेसिकली 4 जोड़ी थे ये, तो इसमें से मतलब वो पहने नहीं क्योंकि ये छोटे साइज में आ गए थे, बट एक तो ये वाले शूज करे हैं हमने और एक कियांस के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस करी है, जो कि हम क्या करते हैं ना जैसे मार्केट जाते हैं ना तो ला के रख लेते हैं, तो उस टाइप से ये देखो कितनी सुंदर सी ड्रेस है ये वाली और ये वाली, और बाकी मुझे ध्यान भी नहीं अगर कोई बहन आई हो वो गिफ्ट में लेके आई हो, क्योंकि कई सारी ऐसी भी हैं जो बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस लेके आई थी, तो हो सकता है उसमें से भी हो, अभी ना तो मम्मी को याद आ रही ना मेरे को याद आ रही, ये तो खरीद के लेके आया था। हाँ, ये सैंडो हम एमी के टाइम में खरीद के लेके आए थे बट हमने ना यूज नहीं करी क्योंकि एमी का ना जो सूंड था ना वो 1 महीने बाद तक रहा था, तो ये फिर यूज ही नहीं हुई तो ये हमने नहीं पहनाई, तो ये ले ली है मैंने छोटे बेबी के लिए, तो ये बिल्कुल न्यू टच मतलब बिल्कुल विदाउट टच है, टच नहीं करी, बिल्कुल न्यू है ये। और ये टॉवल ये खरीदे थे एक साथ 2 मैंने, तो कैसा लग रहा है, एक तो पिंक कलर का और एक ये वाला, तो पिंक वाला नहीं दूंगी मैं, एक ग्रीन वाला दूंगी,
तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल ऐसे मलाई जैसा। तो ये टॉवल भी मतलब तैयारी मैं फिलहाल कर रही हूँ जो जो चीजें हैं, और ये एक बिल्कुल लाइट वाला सा है जिस हिसाब से गर्मी है उस हिसाब से। इसमें सिर पे ढकने के लिए भी है, टोपी जिसको बोलते हैं, ये देखो ये भी अच्छा रहेगा, और ये ब्लू कलर में है तो ये भी अच्छा लग रहा है। बाकी ड्रेसेस जो रहेगी छोटे बेबी के लिए वो हम लेने जाएंगे। और ये देखो इतने सारे कपड़े और शीटें ये मैंने निकाल दी, ये वही है, बच्चे आपको पता है कितनी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और हमारे इतना चाव था ना, एमी के लिए इतने भर भर के कपड़े ले आए थे, तो इसमें से मम्मी जितना यूज करेगी कर लेगी, बाकी अगर जैसे कोई नीडी होगा, जैसे घर पे मेड भी आती थी उनको जरूरत है बच्चे के लिए, मतलब किसी को भी नीड होगी फिर मम्मी अपने हिसाब से दे देंगी या गाँव जाएंगी मतलब वहां पे। तो अपनी तैयारी हो गई है फुल, और अब कर देते बेड को बंद। डेढ़ घंटा हो गया दोनों सासू को आने लगे, पूरा मत्था मारा बेड में निकाला सारा सब कुछ। तो आज बनेगी घर पे हमारी राजमा चावल, मतलब राजमा बनेगी और चावल बनेंगे, तैयारी करने लग रहे हैं अभी। तो मेरे पति देव को प्यारी सी भूख लगी थी, तो उनके लिए ये प्यारा सा डाइट वाला। देखिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। क्या क्या इसमें देखते हैं, टेस्ट करो अभी एक बार आप, और फिर मुझे बताओ टेस्ट करके कि क्या क्या है। तो अभी ना ये टेस्ट कर रहे हैं और अभी बताएंगे आप लोगों को। फिलहाल कैसा, कैसी है? एक नंबर चखना बन चुका है गाइस, बस मस्त लगे अभी। साथ में जरूर था, बस टेबल पे कांच के गिलास में। तो ये हमारे आगे टेस्टी से राजमा चावल और अनियन डिनर है ये। तो गाइस मैं गया हुआ था सैलून पे, कटिंग वगैरह करवा के आया था, तो अभी खाऊंगा खाना, उसके बाद में करेंगे व्लॉग को एडिट। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।